हेलो दोस्तों, आपका डी मैस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डाउन साइड एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाजू में एक बेल आइकॉन भी है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकॉन में क्लिक करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने लोकल प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, उसको गिटहब पर माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टर्मिनल और कमांड लाइन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप उस पाथ पे चल जाइए जहां पर आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। तो मैं उस पाथ पे आ गया हूं जहां पर मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, project-web। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं प्रेजेंट, जो कि मैं गिटहब रेपो पे पोस्ट करूंगा और हम वेरीफाई करेंगे जब ये माइग्रेट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल प्रेजेंट है index.html नाम की। तो ये कोई वेब प्रोजेक्ट है, इसे मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ गिटहब पे। तो उसके लिए मेरी पहली स्टेप होगी, मैं गिटहब पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँ। तो समझिए मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा project-web। तो मैं इसी नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने गिटहब रेपोजिटरी में। तो आप कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करिए, उसमें गिटहब अकाउंट ओपन करिए। गिटहब अकाउंट ओपन करने के बाद आप राइट साइड में प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रिपोजिटरी, उस पर आप क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करके पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहाँ पर रिपोजिटरी नेम है, यहाँ पर हमें अपनी रिपोजिटरी का नाम मेंशन करना है। तो मैं अपनी रिपोजिटरी का नाम रखना चाहता हूँ project-web, तो मैं वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वेब प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे को ये सिलेक्ट करना है कि ये प्रोजेक्ट मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ और प्राइवेट रखना चाहता हूँ। दोस्तों, पब्लिक का मतलब ये होता है कि मेरी रिपोजिटरी पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, यह विजिबल रहेगी, कोई भी ओपन करके इसका कोड देख सकता है, इसकी फाइल देख सकता है। और प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये रिपोजिटरी सिर्फ आपको विजिबल रहेगी। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइवेट में सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करता हूँ। क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करने से ये रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा और क्रिएट करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आप अब टर्मिनल ओपन कर लीजिए। यहाँ टर्मिनल में आप को कमांड रन करनी है गिट इनिट करके, और उसके पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिए गिट आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए आप यहां रन करिए कमांड गिट स्पेस -version और एंटर क्लिक करिए। एंटर करने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर यहां पर कुछ और आता है तो समझ लीजिए आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है। अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो यहां पर आपको दिखाएगा गिट नॉट रिकॉग्नाइज कमांड करके ऐसा कुछ लिखा आएगा आपके उसमें, तो आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल गिट इन विंडोज और मैक सिस्टम। तो दोस्तों, अब हम माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप पहली कमांड रन करिए गिट इनिट करके। गिट इनिट कमांड से गिट इनिट कमांड रन करने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये हिडन फाइल होती है .git करके, वो आप देख सकते हैं ls-la कमांड के थ्रू। यहां आप देख सकते हैं एक फाइल क्रिएट हो गई है .git करके।
अब इसके बाद हम गिट कॉन्फिगर करेंगे। कॉन्फिगर मीन्स हम अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी कॉन्फिगर करेंगे। जब हम ये कोड पोस्ट करेंगे अपनी रेपोजिटरी में तो वहां पर क्या नाम और ईमेल आईडी डिस्प्ले करेगा वो हम कॉन्फिगर करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आप रन करिए कमांड गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम। उसके बाद आप अपना यूजर नेम मेंशन करिए। मेरा यूजर नेम डीमैट स्टोर है तो मैं वो यहां पर लिख दूंगा। उसको लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। फिर इसके बाद मुझे ईमेल आईडी कॉन्फिग करना है तो उसके लिए आप कमांड रन करिए गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल और अपनी ईमेल आईडी एंटर करिए। तो ऐसे करके हमने यूजर नेम और ईमेल आईडी कॉन्फिगर कर ली है। अब हम अपनी फाइल ऐड करेंगे। सो फाइल ऐड करने के लिए आपको रन करनी है कमांड गिट ऐड स्पेस डॉट, इससे आपकी फाइल ऐड हो जाएगी। अब फाइल ऐड करने के बाद आपको कमिट करना पड़ेगा। कमिट करने के बाद ही हम फाइल पुश कर सकते हैं अपने रेपोजिटरी में, तो आपको कमिट करना पड़ेगा। उसके लिए आप कमांड रन करिए गिट कमिट करके। गिट कमिट के बाद हाइफन एम लिखिए और उसके बाद ब्रेसेस ओपन करिए। यहाँ ब्रेसेस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्या मॉडिफिकेशन किया है। तो जैसा भी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद मैं एंटर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वन फाइल चेंज करके लिखा आ गया है। अब मैं अपनी रेपोजिटरी की लिंक यहां पर एंटर करता हूं, मतलब मुझे किस पाथ पे अपना कोड अपलोड करना है वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रन करिए कमांड गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। उसके बाद यहां पर आपको यूआरएल मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम यूआरएल अपने गिट रिपोजिटरी से कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए आप गिट रिपोजिटरी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आप कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के बाद आप वो यूआरएल यहां पेस्ट कर लीजिए और एंटर क्लिक करिए। अब ये करने के बाद हम अपना कोड पोस्ट करेंगे गिटहब पर। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे गिट पुश, उसके बाद हम ओरिजिन लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हमें मेंशन करना रहेगा ब्रांच नेम। तो हमारा ब्रांच नेम मास्टर है तो वो हम यहां पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी रिपोजिटरी का पासवर्ड पूछा जाएगा तो आप वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कोड पुश होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा फाइल है तो ये कुछ टाइम लेगा फाइल अपलोड करने के लिए गिटहब पर। अपलोड होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि मास्टर ब्रांच पे पुश हो गया है कोड। उसके बाद हम गिटहब रेपोजिटरी ओपन कर लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा कोड अपलोड हुआ है क्या नहीं। तो ये रेपोजिटरी है। यहां पर आप रिफ्रेश बटन में क्लिक करिए। यहां पर आप देख सकते हैं जो index.html फाइल थी वो यहां पर ऐड हो गई है और ये फाइल 4 मिनट पहले ऐड हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना प्रोजेक्ट माइग्रेट कर सकते हैं गिटहब पर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीमैप स्टोर यूट्यूब चैनल।